नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंभ लगन वाले जातकों के लिए, एक्वेरियस एसेंडेंट वालों के लिए, राहु केतु के राशि परिवर्तन के विषय में। राहु केतु का राशि परिवर्तन 12 अप्रैल 2022 को प्रातः 10:36 से राहु ग्रह मेष राशि में और केतु ग्रह तुला राशि में गोचर करेंगे। यह गोचर 30 अक्टूबर 2023 तक रहने वाला है। यह जो प्रेडिक्शन है यह लगन के आधार पर आधारित है, तो आपको आपका लगन मालूम होना आवश्यक है। आपको आपका लगन मालूम करने के लिए आपके पास जो भी आपकी जन्मपत्री है आप उसे खोल करके देखेंगे कि उसके अंदर बहुत सारी कुंडलियां होंगी और उनमें से किसी एक कुंडली के ऊपर यहाँ पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली लिखा होगा और उसके फर्स्ट हाउस में, इस हाउस को फर्स्ट हाउस कहते हैं, अगर यहाँ पर 11 अंक लिखा है तो आपका कुंभ लगन है, एक्वेरियस एसेंडेंट है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप इस वीडियो का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कुंभ लगन वाले जातकों के लिए राहु और केतु किस हाउस से या किस भाव से गोचर करेंगे। कुंभ लगन वाले जातकों के लिए राहु ग्रह इनके थर्ड हाउस से और केतु ग्रह इनके नाइन्थ हाउस से गोचर करेंगे। अब राहु ग्रह की बात करते हैं सबसे पहले कि राहु ग्रह कुंभ लगन वाले जातकों को क्या फल प्रदान करेंगे। जब कुंभ लगन वाले जातकों के थर्ड हाउस से राहु ग्रह गोचर करेंगे तो ये यहाँ पर इन्हें अचानक से यात्राओं का सुख प्रदान करेंगे। अचानक से बिना समय की ये यात्राएं इन्हें देंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो कुंभ लगन वाले जातक हैं वे देखेंगे कि उन्हें उनके पड़ोसियों के माध्यम से या ये कहें कि उनके सिबलिंग्स के माध्यम से किसी न किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, तो उसके लिए इन्हें केयरफुल रहना चाहिए। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो कुंभ लगन वाले जातक हैं अगर उनके यहाँ पर कोई मेड इत्यादि आती है या नौकर चाकर उन्होंने रखे हैं तो इस समय में नौकर चाकर उन्हें किसी प्रकार की कोई हानि पहुंचा सकते हैं, किसी प्रकार का कोई लॉस उन्हें दिखा सकते हैं, इसके लिए केयरफुल रहने की आवश्यकता होगी। तो ये था राहु ग्रह के बारे में। इसके बाद बात करते हैं राहु ग्रह की दृष्टि के विषय में। जब राहु ग्रह की पांचवी दृष्टि, फिफ्थ एस्पेक्ट, 1 2 3 4 5 फिफ्थ एस्पेक्ट आपके सेवेंथ हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर जो कुंभ लगन वाले जातक हैं उनके स्पाउस के साथ या पार्टनर के साथ या लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ इनके रिलेशन ज्यादा बेहतर नहीं रह पाएंगे। कुंभ लगन वाले जातकों के जो पार्टनर हैं या स्पाउस हैं या बिजनेस पार्टनर्स हैं वे इस समय में उन्हें छलने का प्रयास करेंगे, उन्हें धोखा देने का, उनके साथ चीटिंग करने का प्रयास यहाँ पर कर सकते हैं। इस समय में उनसे बच के रहना चाहिए। इस समय के अंदर आपका नेम फेम पब्लिक में काफी बढ़ने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो कुंभ लगन वाले जातक हैं वे देखेंगे कि अगर वे कोई पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं अपने बिजनेस व्यापार में तो इस समय में इन्हें पार्टनरशिप के लिए रुक जाना चाहिए। इस समय अंतराल के अंदर की हुई पार्टनरशिप किसी भी प्रकार से कोई अच्छा रिजल्ट यहाँ पर नहीं दिखाती है। उस पार्टनरशिप का आगे जाकर के किसी न किसी प्रकार से कुंभ लगन वाले जातकों को लॉस उठाना पड़ सकता है। इसके बाद बात करेंगे कि राहु ग्रह की सेवेंथ एस्पेक्ट की। जब राहु ग्रह की सेवेंथ एस्पेक्ट आपके 1 2 3 4 5 6 7 सेवेंथ एस्पेक्ट केतु के ऊपर और इसके साथ साथ आपके नाइन्थ हाउस के ऊपर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर जो कुंभ लगन वाले जातक हैं अगर फौरन जाना चाहते हैं तो फौरन जाने के लिए उन्हें चांसेस प्राप्त होंगे, अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी जिसके माध्यम से ये फौरन लैंड पर जा पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर कुंभ लगन वाले जातक पूजा पाठ इत्यादि करने के लिए लालायित तो रहेंगे, परंतु जब राहु ग्रह की सातवीं दृष्टि इनके धर्म कर्म के स्थान पर पड़ती है तो वह इन्हें धर्म कर्म के कार्यों से अलग कर देती है, किसी भी प्रकार से कोई परेशानी दे दे जिसकी वजह से आप धार्मिक कार्यों को ना कर पाए, इस प्रकार की स्थिति, आपका स्वास्थ्य बेहतर ना रह पाए या आपको कुछ ऐसे कार्यों में इन्वॉल्व होना पड़ जाए जिसमें आप समय ही ना निकल पाए, इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर दिखाते हैं। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपको अगर आपके ग्रैंड सन है तो उनसे, उनकी तरफ से कोई आपको परेशानी भरी समस्या या समस्या भरी समाचार यहाँ पर सुनने को मिल सकता है तो उसके लिए केयरफुल रहना चाहिए।
इसके साथ साथ बात करेंगे जब राहु ग्रह की 9th एस्पेक्ट 7, 8 और 9th एस्पेक्ट आपके 11th हाउस पर पड़ती है, तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आप अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे हैं तो उस प्रॉपर्टी को आप परचेज तो कर पाएंगे, सेल परचेज का अगर कोई कार्य करना चाहते हैं कर तो पाएंगे, परंतु उसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन के लिए थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। अदरवाइज इस समय में अगर आप कोई डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, प्रॉपर्टी सेल परचेज से रिलेटेड या कोई फिक्स अमाउंट RDFD इत्यादि से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, कोई नई स्कीम में आप पैसा लगाते हैं, तो वहां आपका पैसा फंसने की संभावना यहां पर दिखाई देती है। इसके बाद बात करेंगे केतु ग्रह की। केतु ग्रह आपके 9th हाउस में तुला राशि से गोचर कर रहे हैं। देखिए केतु ग्रह का तुला राशि में गोचर करना ये आपको आपके कार्य व्यवसाय के लिए फॉरेन लैंड तक ले जा पाएगा, आपको एक बिजनेस माइंडेड बनाएगा। आप चाहे जॉब करते हैं, हाउस वाइफ है, या आप कोई जॉब करते हैं, तो उसके अंदर ये आपको एक बिजनेस माइंडेड, जिस प्रकार से एक व्यापारी का दिमाग कार्य करता है कि कोई भी कार्य करे तो उसके अंदर अपना क्या फायदा होगा, ये शब्द आप अपने इस समय अंतराल के अंदर आपके मुंह से एक दो बार तो सुनने को मिलेगा ही कि अपना क्या फायदा होगा। किसी कार्य को अगर हम करते हैं या किसी की हम कोई हेल्प करते हैं या किसी का कोई कार्य हम करा के देते हैं तो अपना क्या फायदा होगा, ये शब्द ये आपको केतु ग्रह देंगे। अपने फायदे को देख करके आप दूसरे का कार्य कर पाएंगे, ऐसी स्थिति यहाँ पर ये क्रिएट करेंगे। इसके साथ साथ धन कर्म से लेट कार्यों के अंदर जाने का आपको अवसर अवश्य प्रदान करेंगे। आप जा पाए ना जा पाए ये राहु ग्रह की एस्पेक्ट जितनी ज्यादा है आपकी कुंडली के अंदर, अगर राहु ग्रह थोड़े से कमजोर है या यहाँ पर कुछ और अच्छे प्लेनेट की एस्पेक्ट है तो उस समय में आप धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि को कर पाएंगे और उसमें जाने का भी अवसर प्राप्त होगा। इसके बाद बात करते हैं केतु ग्रह की पांचवी दृष्टि की। 1, 2, 3, 4, 5 केतु ग्रह की पांचवी दृष्टि जब आपके फर्स्ट हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपको कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना चाहिए अपने जीवन के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने घर परिवार, अपने कारोबार, अपनी एजुकेशन या अपनी मेडिकल मेडिसिन इत्यादि के लिए कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना चाहिए। इस समय अंतराल के अंदर आप डिसीजन ना लेने वाली पोजीशन में होंगे और इस समय अंतराल के अंदर आपको किसी एस्ट्रोलॉजर की मदद लेकर के ही कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहिए। अदरवाइज इस समय में लिया हुआ डिसीजन आपके द्वारा लिया हुआ डिसीजन आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है, तो उसके लिए केयरफुल रहने की आवश्यकता होगी। इसके साथ साथ बात करते हैं, हाँ यहाँ पर एक चीज और बताते हैं केतु ग्रह की जब 5th एस्पेक्ट आपके फर्स्ट हाउस पर पड़ती है तो ये आपके स्वास्थ्य से संबंधित कुछ प्रॉब्लम दिखाती है, आपका हेल्थ जो है वो किसी प्रकार से खराब रह सकता है, उसके लिए अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहने की आवश्यकता होगी। इसके बाद बात करते हैं केतु ग्रह की 7th एस्पेक्ट की। जब केतु ग्रह की 7th एस्पेक्ट आपके थर्ड हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है यात्राएं करने का, कोई धार्मिक यात्रा करने का सुख प्रदान करना। इसके साथ साथ कोई पड़ोसियों के यहाँ अच्छे आयोजन में, पार्टी इत्यादि में जाने का अवसर भी आपको प्रदान करेंगे। और अगर आप राइटिंग इत्यादि का कोई कार्य करते हैं तो उसके अंदर आप बहुत ही उत्तम प्रकार से लिख पाएंगे। इस समय में आपके द्वारा लिखा हुआ बहुत ही ज़्यादा हार्ट टचिंग होगा, मैं यही कह सकता हूँ कि हृदय को छूने वाला आप इस समय में कुछ बातें लिख पाएंगे। इन सब चीज़ों के लिए समय बेहतर रहेगा। इसके बाद बात करेंगे राहु ग्रह केतु ग्रह की 9th एस्पेक्ट की। 7, 8, 9 एस्पेक्ट जब आपके 5th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर जो कुंभ लगन वाले जातक स्टूडेंट हैं तो इस समय अंतराल के अंदर उन्हें अपनी एजुकेशन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क करने की आवश्यकता होगी। इसके साथ साथ इस समय अंतराल में अगर एजुकेशन से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है तो उसके लिए किसी की एडवाइस लेकर के, किसी एस्ट्रोलॉजर की एडवाइस लेकर के या किसी बड़े जानकार व्यक्ति की एडवाइस लेकर के कार्य करेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अदरवाइज इस समय में आपके द्वारा लिया हुआ डिसीजन, चाहे सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए हो या आपको आपके करियर बनाने के लिए कोई डिसीजन लेना हो, इस समय में लिया हुआ डिसीजन आपका फेल हो सकता है। इस समय में डिसीजन लेने के लिए किसी अच्छे एक्सपोजर से आप कंसल्ट करके कार्य करेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ जो कुंभ लगन वाले जातक हैं, अगर संतान को कंसीव कराना चाहते हैं तो इस समय में संतान कंसीव कराने में कुछ समय लग सकता है। यहाँ पर केतु ग्रह की जो दृष्टि है यह संतान को कंसीव कराने में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, जिसकी वजह से आपका कुछ धन मेडिकल मेडिसिन इत्यादि के ऊपर भी खर्चा हो सकता है, यहाँ पर ये बताते हैं। इसके लिए आप डॉक्टर से और एस्ट्रोलॉजर से, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से कुछ उपाय इत्यादि करके कार्य करेंगे तो ये 3 चीज़ों से आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप
कुंभ लग्न वाले जातक अगर क्रिएटिविटी के कार्यों से जुड़े हैं तो उनके अंदर भी आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। हार्डवर्क करने के पश्चात आपको रिजल्ट की प्राप्ति होगी। 7-8 तो ये था कुंभ लगन वाले जातकों के लिए राहु केतु के प्रभाव का फल। अब अगर आपके जीवन में इनमें से कुछ बातें अगर घटित हो रही हैं तो क्या उपाय कर सकते हैं उस स्थिति में आपको। यहां पर मैंने एक उपाय दिया है, ये उपाय करने से लाभ प्राप्त होगा। उपाय क्या है? 43 दिन तक गाजर या मूली कोई भी एक चीज आप ले लें। जो चीज आप एक दिन लेंगे वही आपको 43 दिन तक लेना है। 43 दिन तक लेकर के रात के समय अपने सिरहाने रखकर सोएं और प्रातः उठ करके उसे मंदिर में दान दे कर आए। ये छोटा सा उपाय है, इस उपाय को यदि आप करेंगे तो आपके ऊपर राहु केतु की जो निगेटिविटी का प्रभाव है ये काफी मात्रा में शांत होगा और आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो ये था एक्वेरियस एसेंडेंट वालों के लिए, कुंभ लगन वाले जातकों के लिए राहु केतु के राशि परिवर्तन का फल। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेम पूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेम पूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।